शवाल में उम्र कर लें तो क्या हज फर्ज हो जाता है हज जो है वो ज़िंदगी में एक ही मरतबा फ़र्ज होता है अगर किसी शख्स ने एक मरतबा हज कर लिया तो दोबारा उसके ऊपर हज जो है वो फ़र्ज नहीं होगा तो लिहाजा जिसने एक बार कर लिया है हज तो अब वो चाहे शवाल में कितना ही उम्रे करते रहे उसके ऊपर हज फर्ज़ नहीं होगा एक तो ये सबसे पहली सूरत हो गई दूसरा वो शख्स जिसने कभी भी जो है वो उसने हज किया ही नहीं उसके ऊपर जो है वो हज जो है वो फ़र्ज नहीं हुआ तो अब अगर उसने शवाल के अंदर उम्र कर लिया तो फ़क्तर शवाल में उमरे की वजह से उसके ऊपर हज फर्ज नहीं होगा सही क्योंकि हज की फ़र्जियत की जो बुनियादी चीज़ है वो ये मनस्त सबीला कि वो रास्ते की जो है वो ताकत रखता हो दरअसल वो उस वक्त जबकि शवाल के जो हज के महीने हैं शवालज उस उसमें वो मक्तुलमकरमा में मौजूद है तो रास्ते के अतबार से तो वो पहुंच गया उनम के अंदर जो है मगर ये भी जरूरी है कि वो हज के वक्त तक वहाँ खाने पीने के अखराज बर्दाश्त कर सकता हो रिहाइश के अखराज बर्दाश्त करता हो कर सकता हो इतने अरसे का पीछे अपने जो अफराद हैं जिनका नान नफका इसके ऊपर लाजिम है उनके अखराज बर्दाश्त करता हो जब ये सारी चीजें पाई जाएंगी तो कहेंगे कि उसके ऊपर हज जो है वो फर्ज होगा अगर पहले भी नहीं किया हुआ जी और अब ये सारी चीज़ें मौजूद है इसमें यह भी देखा जाएगा कि वीज़े के मामलत भी कानूनी तौर पर यह जो एक मुल्क में उसने रहना है जी अब तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पहले भी नहीं किया हुआ और उसके बाद इतना पैसा है कि जना वो शवाल से लेके जुलहज्जा के हज के अयाम तक जो है वो मक़तुलमकर्र में रिहायश पजीर हो सकता है रिहायश के भी अखराज आते हैं खाने के भी हैं पीछे नफके के भी हैं सही अब आगे कानूनी पाबंदी कि इसकी वजह से वो वहाँ ठहर नहीं सकता उम्र के वीजे के ऊपर हज कर नहीं सकता तो अभी सूरत में उस पर हज फर्ज हो गया है अदायगी में रुकावट आ गई है कानूनी प्रॉब्लम की वजह से तो लिहाजा इसको हुक्म ये होगा कि अगर तो ये किसी तरह हज वीज़ा ले सकता है तो ले ले, वरना वापस आए और फिर हज पे जाने की जो है वो कोशिश करे अगर नहीं कोशिश कामयाब होती तो भी बहरहाल इस पर हज फ़र्ज़ हो गया अब इसको उस हज की अदायगी के लिए कोशिश करनी होगी और अगर उसमें कामयाब नहीं हो पाता तो बहरहाल बिल आखिर जो है वो मौत में करीबुल मौत में हज बदल की वसीयत करना इस पर लाजम होगा ठीक है और ये जो उसमें वीज़ा हासिल करना है या जो भी इस तरह के मामला क्योंकि मक्के में भी रहने वाला हर शख्स तो हज नहीं करता जी। और ना ही उसके लिए अलाव होता है कि वो हज करे बल्कि उनके लिए जो भी ख़ास उनकी अपनी जो भी शरातें भी हाथ होती हैं वो शराइत जो है उसके हवाले से पैसा भी खर्च करना पड़ता है तो इसकी भी स्थित वो देखी जाएगी पैसे खर्च करने के हवाले से ठीक है